गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आ गए एक और न्यू व्लॉग लेके। तो आज हम लोग आपको अभी नहीं बता रहे, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। हम लोग निकल चुके हैं एक नए सफर में, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ये आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। तो फर्स्ट मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मेरे पीछे है बोर्ड, यहाँ पे है गंदा भिलाई और राजनांदगांव का रूट है। तो हमें इसके लिए जाना है, हम लोग जहाँ जा रहे हैं उसके लिए हमें जाना पड़ेगा गंदा, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सीधे। और हमारे ऊपर है अभी हाईवे, नेशनल हाईवे। चलिए चलते हैं पहले धमदा की तरफ, फिर उसके बाद हम लोग आपको पूरा रूट दिखाने वाले हैं। समझ लो टाइटल से तो आप समझ ही जाओगे, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो का एंड तक के जरूर देखना, मजा आया तो फटाफट से लाइक भी कर देना। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे, और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना। गाइस पता है आपको, हम लोग घर से तो निकल गए, जरूरी सामान था वो तो हमने रखा ही नहीं। हमने मास्क नहीं रखा, हमने गॉगल्स नहीं रखे, बस एक ही गॉगल्स रखा है जो पापा ने पहना है। अब देखो ये पापा मेरे को बोल रहे कि तूने मास्क नहीं लाया, कुछ नहीं लाया, बल्कि इन्होंने खुद अपना गमछा नहीं लाया। अभी गमछा लाया रहता तो हमने लगा लेते ना इसको। कुछ करता ही है ना, कुछ बोलता ही है कौन मेरे को सब याद रहता है गाइस, ऐसा नहीं है। फिलहाल गाइस मैं आपको बता दूं, अभी अपन पहुंच चुके हैं चिखली, और रास्ता तो अभी तक हमें ठीक ठाक ही दिखा है, इतना भी खास नहीं है। और भी इससे बदतर रोड हमने देखा है, इससे भी बुरे रास्तों से हम सफर करके अपने मंजिल पे पहुंचे हैं। आपने अगर कोई ब्लॉग मिस कर दिया तो फटाफट से उसे भी जाके देख लो, आपको बहुत मजा आने वाला है। पापा और मैं एक नंबर रास्ते से जाते हैं, मजा ही आ जाता है मस्ती करते हुए। तो गाइस ये वाला ब्लॉग हमारा मोटो ब्लॉग होने वाला है दुर्ग टू गंगई का, और वहाँ पे है गंगई माता का मंदिर। तो हम लोग वहाँ का आपको ब्लॉग दिखाने वाले हैं, तो वन और वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पे नहीं हो तो कर दो सब्सक्राइब। अभी तक किस चीज का वेट कर रहे हो गाइस? तो गाइस गंगा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। गाइस हम लोग मास्क नहीं लाए थे, मास्क ले लेते फटाक से पहले। यहाँ पे हम लोग रुक गए पान ठेला में, यहाँ पे है गाइस देखो, यहाँ पे बहुत सारे गॉगल्स भी है। यार हम लोग सर्जिकल मास्क ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ सर्जिकल नहीं है, कपड़े वाला है नॉर्मल। गाइस ये देखो ये वाला मास्क हमने ले लिया है, ये 20 रुपए पड़ा है हमको, देखता हूँ पहन के। देखो गाइस बढ़िया दिख रहा है, चश्मा भी नहीं डाला है। वो वाला आता है ना जिसमें बाजू गोल्डन रहता है, बीच में व्हाइट ग्लास रहता है, जैसा मैंने बोला वैसा तो नहीं है चश्मा, क्योंकि मेरे को वैसी वाला पसंद है, वाइट बीच में रहता है, वाइट ग्लास वो भी ज़्यादा चल रहा है फैशन में। तो आगे हमें और भी दुकानें दिख जाएगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आगे देख लेंगे, अभी तो सफ़र भी हमारा बहुत लंबा है। गाइस से देखो यहाँ पे तो मेरे पसंद का दिख गया, पर ये जो है ना मेरे फेस में ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, लुक ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, थोड़ा देख रहा हूँ मैं, अगर मेरे साइज का आ गया तो ले लूँगा। गाइस आगे देखते हुए चश्मा जम नहीं रहते यार, थोड़ा मैच नहीं कर रहा था मेरे फेस में। गाइस हमें एक और शॉप मिली, वहाँ पे चल के देखते हैं। ये देखो क्या पता यहाँ मिल जाए गॉगल्स ऐसे वाले जैसा मैं ढूंढ रहा हूँ। गोल गोल है लेकिन यहाँ पे, ये देखो गाइस ये है क्या, ये देखा? देखो गाइस ये अलग दिख रहा है यार, अजीब सा दिख रहा है ये बीच में, अजीब सा दिख रहा है, जिसका नाक बड़ा रहता है उसके लिए अच्छा है। अरे रे रे, अरे रे रे गाइस कैसा दिख रहा है कमेंट में बताओ, ये तो मेरे को पड़ाकू बना देंगे बिल्कुल। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस, पड़ाकू नहीं हूँ ये वाला देखो मैं हूँ, क्या बोलते हैं उसको, मास्टर
जमीनी था यार ये वाला, कैसे दिखेगा यार? ये सब इतने बड़े बड़े क्यों है यार? मेरे फेस में आते ही नहीं है कोई अच्छा सा छोटा सा। अब मेरा फेस भी छोटा सा है तो मुझे थोड़ा छोटा गॉगल्स चाहिए ना। भैया अभी हमारे फोन में बात कर रहे हैं इसलिए दिखा नहीं रहे अभी। ये वाला कैसा? उनको पहले बात कर लेने देते हैं उसके बाद देखते हैं। ये वाला कैसा? दे दे दे, ये तो दबंग दबंग दिख रहा हूँ ना एकदम गाइस, ऐसा लग रहा हूँ बताओ मेरे को। ये पहन कर मेरे को अपना स्क्रीन ही नहीं दिख रहा, एकदम डार्क कर दिया थोड़ा। ये वाला लाइट है थोड़ा, ये ब्लू ब्लू दिख रहा है पूरा पूरा। हंस तो मैं कैमरा बन जाऊंगा, कैमरा में जैसे फिल्टर्स लगते हैं ना वैसे मेरे आंख में लग जा रहे हैं। देखो यहाँ पे फिश टैंक भी है, वाह। हमारे पास भी फिश टैंक रख पड़ा है और उसमें फिश भी थी यार हमारी सारी। पहले एक बार हमने ऐसा वाला पॉट लिया था उसमें भी हमारी फिश थी पर वो मर गई। ये देखो गाइस कैरी मिनाटी वाला कैसा दिख रहा है। पापा ने अपने लिए सर्जिकल मास्क ले लिया क्योंकि ये वाला हमको ज्यादा जमता नहीं है ना, नॉर्मल ऐसा वाला हमको चाहिए। एक बार पहन लो, जिस सफर में पहने उसके बाद उसको कभी नहीं पहनेंगे, फिर उसके बाद हर सफर में हम लोग वाह। अरे ये तुम्हें देखा ही नहीं, वाह गाइस देखो इसके अंदर फिश है, देखो देखो फिश फिशी 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 कैसे दौड़ रही है। वो ऑरेंज वाली सबसे बढ़िया दिख रही है ये वाली। तो गाइस गॉगल से मुझे कुछ जमे नहीं, तो भैया ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो भैया ये एरिया बता दो और अपना नाम भी बता दो। ये जेवरा सिरसा है और जेवरा सिरसा के पहले खपरी चौक। और आपका नाम? नाम फुमलाल साहू। तो बढ़िया लगा आपके पास आके। गाइस मैंने गॉगल्स नहीं लिए क्योंकि वो जम नहीं रहे थे। अब चलते आगे, हमें हमारी मंजिल टच करनी है धमदा। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हम लोग पहुंच गए हैं जोरा शीर्षा और बस अब अपन जोरा शीर्षा पार करने वाले हैं। गाइस ये देख पा रहे हो आप, ये राइस मिल फैक्ट्री और देखो ट्रक्स में भी राइस लोडेड है। सीता राइस मिल फेमस फैक्ट्री, सीता राइस मिल यहाँ का फेमस फैक्ट्री है। गाइस देख पा रहे हो कितनी सारी बोरी लोडेड है। अब जो है ये अलग अलग स्टेट्स में जाएगी। ये देखो ये भी राइस मिल फैक्ट्री है, तो यहाँ पे अलग अलग कंपनी की राइस मिल फैक्ट्री है, ऐसा नहीं है कि सब सेम है। यहाँ पे ज्यादातर राइस मिल फैक्ट्री आपको ज्यादा दिखेगी। गाइस ज्यादातर फैक्ट्रियों से पॉल्यूशन निकलता है तो इसलिए इसे सिटी से आउट रखा जाता है। देखा आपने ये जोरा शीर्षा से आउटर में है और जोरा शीर्षा पीछे निकल गया। एक और शॉप यहाँ देखते हैं, कौन सा वाला? गोल्डन वाला कौन सा बोल रहे हैं पापा? ऐसा नहीं चाहिए यार, व्हाइट में है क्या? नहीं नहीं वैसे नहीं, गोल्डन रहता है बाजू और पूरा व्हाइट ग्लास रहता है सामने, ऐसे में चाहिए। तो भैया देखते हैं निकाल रहे हैं हमारे लिए अच्छा सा जैसे हमको पसंद है। गाइस यहाँ पे भी हमको नहीं जमा और देखते हैं अभी तो और दुकानें मिलेगी, ऐसे बोलते बोलते कहीं दुकान ही ना खत्म हो जाए। गाइस ये रोड बेमेतरा वाला है तो आपको बेमेतरा भी जाना होगा तो आपको धंधा हो गई जाना पड़ेगा, इसलिए आपको धंधा क्रॉस करना पड़ेगा। तो
गाइस अब आ चुका है खेत वाला एरिया। यहाँ पे देखो गोभी लगा है, यहाँ खेती हो ही रही है, छोटे छोटे पौधे भी उगाए गए हैं। ये कौन सा खेत है? ये शायद पम्पकिन का है, कद्दू कद्दू। पिछले बार हमारे हमने आपको खेत भी घुमाया था, तो जिसने अभी तक वाला वीडियो नहीं देखा फटाफट से जाके देख लो। गाइस ये जो अभी आप देख पा रहे हैं इसे नर्सरी कहते हैं, और यहाँ पे पौधों का खासकर ध्यान रखा जाता है और पौधे उगाए जाते हैं। तो सारा है यहाँ पे लाइन से आप देख पा रहे हैं, और ये देखो खेत भी है। गाइस हम इस वीडियो में आपको हर एक छोटी सी छोटी जानकारी देने वाले हैं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को पूरा देखना, और नज़ारा कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर से बता देना। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं तरंजा भिलाई, ये भी एक छोटा सा गांव है, तो रास्ते में आपको बहुत सारे गांव मिल जाएंगे। ऐसी छोटी मोटी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, तो वीडियो को गौर से और ध्यान से देखिएगा और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल पर न्यू हो तो। रास्ते के आजू बाजू इतने सारे पेड़, हाँ, और अगर ये पेड़ बड़े हो जाए और ऊपर से ढक दे तो और। बुलेट को हमने रेस्ट दिया है और आज हमारी एक्टिवा को हम लोग सता रहे स्पीड दौड़ा दौड़ा के। वाओ गाइस ब्रिज,
नज़ारे तो एक से एक दिखते हैं गांव में यार। अरे रे रे, आराम से आराम से भैया, आराम से आराम से। बहुत ही हाई फाई ड्राइविंग कर रहे हो आप, हैवी ड्राइवर। बढ़िया रोड हो तो दौड़ाने में भी मजा आता है। तो गाइस, जैसा कि आप इस साइड देख पा रहे हैं, यहाँ पे है पावर लाइन और यहाँ से सभी स्टेट में पावर सप्लाई होता है। तो गाइस, इस जगह को पावर ग्रिड बोलते हैं। वाओ गाइस, मजा आ रहा है ना। ब्रेकर यहाँ काम क्यों किए, लड़ा दे रहा, घुस जाते हम लोग हवा हवाई स्टंट में। अरे बाप रे, आखिर पापा ने कुछ इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, एक नंबर। नजारे तो देखो, ये इसके बारे में मैंने पढ़ा है, ये इसलिए किया जाता है जिससे कि मैं आपको पढ़ के बताऊं। गाड़ी बना रही है, आराम से चलाओ यार गाड़ी को, थोड़ा रेस्ट दे के चलाओ। सामने का रोड का व्यू क्या दिख रहा है बताओ, खूबसूरती हमारे छत्तीसगढ़ की और भी बढ़ जाती है। धमधा का रोड हमें सीधा दिखा रहा है, वो देखिए गाइस, देख सकते हैं आप यहाँ से कितने जगह जा सकते हैं। धमधा, कान्हा राष्ट्रीय धाम, गुधाम और कबीर धाम, यहाँ सीधा ही जाना है सबके लिए। हमें तो जाना है धमधा। अब आने वाला है शिवनाथ नदी, ये नदी जो हमारे एरिया में नदी है वो घूम के यहाँ आई है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं शिवनाथ नदी का व्यू। हमारे एरिया के तरफ से तो आप बहुत देखे होंगे व्यू, लेकिन यहाँ से भी एक बार देख लीजिए। शिवनाथ नदी है ये, घूम के इस साइड आई है। वाह, बोटिंग हो रहा है क्या? अच्छा नहीं, ऐसे ही घूम रहे मछुआरे लोग। क्या मस्त व्यू आ रहा है यार, नीचे उतर जाते तो नहा भी लेते थोड़ा सा। पिछली बार तो मैं इतना डर रहा था मछली मछली, फिर भी मैंने नहा लिया था, मज़ा आया था एकदम। इतने सारे नज़ारे देख के तो मज़ा ही आ जाता है। हाई वोल्टेज, हाई टेंशन, हाई टेंशन, हाई टेंशन वोल्टेज बोल रहे हैं पापा, किसी को हाई टेंशन नहीं है। पापा को भगाने में मजा आ रहा है और यहाँ पीछे मेरी कमर टूटे पड़ी है बताओ। अरे बाप रे, मजा आ रहा है, एक नंबर। ठंडा ठंडा हवा, काश हम ये फीलिंग आपको भी दे पाते गाइस।
पर आप भी ले सकते हैं अगर आप भी हमारे बताए हुए रूट से यहाँ आएंगे। अरे अरे, ये कहाँ फंसा दिया पापा ने, यहाँ पे तो सब्जी भाजी बिक्री है, गांव की असली ताजी सब्जी भाजी फ्रूट्स। हाँ मजा आ गया यार, पपाया हमारी तरफ नहीं आया। अरे देखो छोटे टमाटर बैर भी है यहाँ पे, चलो आपको पास से दिखाते हैं। गाइस ये देखो छोटे छोटे टमाटर, इसको बोलते हैं चिरकोटी टमाटर। वाह यार कैसा दिख रहा है ये, ये देखो ये बड़ा और ये छोटा, इसका स्वाद ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा अच्छा होता है इसका स्वाद। चटनी में एक नंबर लगता है भाई, मस्त दिख रहे हैं यार, बैर भी है यहाँ पे, पूरा लाइन से मंडी लगी है सब्जी। आए समय ले लो, अभी तो हम वीडियो बना रहे हैं, आते समय भले ले लेंगे। जीते हैं, बढ़िया दिख रही है, मम्मी भी खुश हो जाएगी। आप भी यहाँ पे रुक सकते, देखिए नाश्ता के लिए भी है, गुटका भी, गरम गरम भजिया पकौड़े। ये देखो चना का खेत, अभी तो चना उगा ही नहीं है तो हमारे पास क्या आएगा, लेकिन चना खाने में मजा आ जाता है यार ठंडियों में, बाहर धूप नहीं। हाँ हरे चने की चूरी जब आएगी ना करके बताना आप लोग के यहाँ मिलता है कि नहीं, हरे चने की चूरी मजा आ जाता है। छत्तीसगढ़ में इसीलिए तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ साग भाजी खाने के लिए बहुत आइटम है, यहाँ कभी खाने की कंगाली नहीं पड़ती। बाकी देश से ज्यादा यहाँ सब्जी धान उगते हैं, सबसे सस्ता यहाँ मिलता है और एक्सपोर्ट होके आपके यहाँ भी आता है, इसलिए सब बोलते हैं छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, धान का कटोरा, धान का कटोरा माना गया है। हाँ गाइस छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी बोलते हैं। इतने सारे गांव हैं यहाँ पे, बाकी जगह आपको इतने गांव भी नहीं दिखेंगे, और गांव है तो आप समझ गए होंगे कि खेती भी होगा, इसीलिए समय गांव और शहर का दोनों का प्रोडक्ट उठाने में मजा मिलता है। हाँ चाहे शहर में जाएं चाहे गांव में आ जाएं, हमारे लिए सभी नजदीक है यहाँ। हाँ मजा आ जाता है, हमारा घर एक जगह सही जगह पे है। यार मंडाई हो रहा है क्या, मंडाई 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 हो रहा है, मंडाई क्या हो रहा है, मंडाई में मंडाई चलते है गाइस। वाह मंडाई में को बहुत मजा आता है, निकालो स्टिक चलो, गांव में तो यही मजा है यार, और क्या मजा है गांव में रहने का, मजा बहुत कम लोग उठा पाते हैं। ये देखिए खाने के इतने सारे आइटम्स, हाँ अभी तो ये लग ही रहा है ना, अभी चालू है यहाँ पे, देखो खजूर स्टॉल से बहुत सारे खाने के, हाँ अभी चालू नहीं हुआ है, हाँ अभी तो ये लग रहा है शाम को पूरा भर जाएगा, गेम्स भी है यार, यहाँ मंदिर है ना इसलिए यहाँ पे मंडी लगा है, बस यहाँ से खत्म। मंडी चलो आए हैं तो मंदिर के दर्शन भी कर लेते हैं। मजा आ गया, हॉस्पिटल है क्या, हॉस्पिटल ये तो मंदिर है ना, यहाँ पे हॉस्पिटल, मल्टी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का वो दिया गया बैनर पर है यहाँ पे मंदिर। शूज रिमूव करने पड़ेंगे, आगे चल के करेंगे। यहाँ पे देखिए पूजा की तैयारी हो रही है, साईं बाबा। तो एक बार हमें यहाँ की जानकारी दे दीजिए। ये साईं जी का मंदिर है, यहाँ पे दो दिन का मेला लगता है, आज है और कल भी रहेगा, भंडारा भी रहता है यहाँ पे। अच्छा आज होगा 2 बजे से भंडारा का कार्यक्रम है,
और शिविर भी लगा हुआ है डॉक्टर लोग का, लाइफ लाइन हॉस्पिटल का, लाइफ लाइन हॉस्पिटल धाम है ना, वहाँ से डॉक्टर लोग भी आए हैं बैठे हैं, यहाँ शिविर लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, तो वही है। और मेला भी लगा रहता है, मेला लग कल दो दिन तक मेला ही लगता है। ठीक है, एरिया क्या है ये? ये धमदा। धमदा, धमदा। ये देखिए यहाँ पे मंदिर है। जी जी, तो गाइस हमने यहाँ की जानकारी भी ले ली और आपको भी बता दिया। चलिए अब चलते हैं अंदर और यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। फर्स्ट वी हैव टू रिमूव आवर शूज। अब चलिए चलते हैं अंदर। जय साईं बाबा। आइए गाइस, आपको दर्शन कराते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे इस ओकेजन के लिए यहाँ पे कितना सुंदर डेकोरेशन भी किया गया है। चलिए गाइस अब चलते हैं, हम जहाँ जाने वाले थे वहाँ से ही निकलते हैं वरना हमें लेट भी हो जाएगा। दर्शन तो हमने कर लिया। तो चलो गाइस निकलते हैं अब। यार पानी तो पिला दो यार, टिक्की खोलो, प्यास लग गई थोड़ी सी। नहीं पानी तो है, उसको रहन दो। ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं, ये भी तो ठंडा ही ठंडा है। प्यास लग गई पांडे जी। कितना प्यास। तो चलिए अब हम निकल चुके हैं, अब हम चलते हैं अपने रास्ते में। हमारा सफर स्टार्ट हो गया। तो गाइस इस ब्लॉग को हम लोग करने जा रहे हैं, ब्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा था और हमने सोचा क्यों ना इसे कंबाइन कर दिया जाए पार्ट में। गंगई मंदिर और चलिए अब आपको यहाँ का दर्शन करवा।